दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। और हमने अपनी पिछली क्लासेस में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे पैटर्न सीखे और आज की क्लास में भी हम कुछ अच्छे पैटर्न सीखने वाले हैं और आपको इन पैटर्न्स को अपने ध्यान में रखना होगा। ओके, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो इन पैटर्न्स को भी आपको चेक करना है हर एक क्वेश्चन में, जिस भी पैटर्न से फिर आपका आंसर आ जाए उसके साथ आगे बढ़ जाए। आपको अगर दो गिवन टर्म हैं आपके क्वेश्चन में तो आप किसी एक गिवन टर्म को ले लो, उसको सॉल्व करो और जो आपको उसमें पैटर्न मिल रहा है उसी से अपने क्वेश्चन में पूछे गए वाले वर्ड को सॉल्व करो और आंसर टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी से बढ़ जाओ। सो, आज की क्लास को देख लेते हैं। सो, यहाँ पर दिया हुआ है कि किचन की कोडिंग की गई है LHUBIDO में, KITCHEN। सो, इस तरह से किचन है यहाँ पर और इसकी कोडिंग हुई है LHUBIDO में, ठीक है। और ये कैसे मिला है ये वाला वर्ड, इसकी कोडिंग इसमें क्यों कैसे हुई है, ये पता करने के लिए आपको इसको जल्दी जल्दी से प्लेस वैल्यू में पोजीशन करना होगा। सो, किचन का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 11 9 20 3 8 5 14, इस तरह से हो जाएगी। और नीचे वाले की भी हम लिख लेंगे तो ज़्यादा और आसान हो जाएगा समझ पाना। सो, L12 H8 U21 B2 I9 D4 O15, सो इस तरह से बनता है, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। सो, इसमें आपको देखने से ही पता चल जा रहा होगा, 11 से 12 यहाँ पर हुआ है +1, 9 से 8 यहाँ पे हुआ है -1, फिर 20 से 21 +1, 3 से 2 -1। इसका मतलब यहाँ पर +1 एंड -1 का कंटिन्यूटी चल रही है, ठीक है। एक में +1 है, एक में -1 है, एंड सो ऑन कंटिन्यूस। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है। सो, यहाँ पे +1 और -1 का पैटर्न चल रहा है। सो, अब हम कर लेंगे सीधा सीधा सॉल्यूशन अपने क्वेश्चन का। सो, क्वेश्चन में पूछा गया है आपको कि एलिमेंट का क्या बनेगा, ठीक है। सो, एलिमेंट की प्लेस वैल्यू यहाँ लिख लेंगे 5 12 5 13 5 14 20। सो, इस तरह से बनती है, ये आ गई। सो, ELEMENT, ठीक है। इस तरह से सारे वर्ड्स हो गए यहाँ पर। अब इनकी जो कोडिंग बनेगी वो किस हिसाब से बनेगी, +1 एंड -1 में। सो, 5 में +1 करेंगे तो यहाँ आएगा 6, 12 में -1 करेंगे 11, 6 मतलब F, 11 मतलब K, F और K होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। देन 5 है तो यहाँ पर आ जाएगा +1, 6, 13 -1 12, 5 +1 6, 14 -1 13 एंड 20 +1 21। सो, लास्ट में आना चाहिए U और M। सो, लास्ट का भी देख लेते हैं, M और U होना चाहिए। सो, ये है M और U पे लास्ट में और स्टार्टिंग में F K। सो, इस हिसाब से हमें यहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होना चाहिए, पूरा सॉल्व कर लो तो F F और बीच में 12 यानी कि L, सो बीच में आएगा FLF। सो, करेक्ट, वी आर करेक्ट। हम फर्स्ट दो से और फिर हमने बस ऐसी रैंडमली सेकेंड लास्ट के दो भी ले लिए तो इस हिसाब से ही हमें पता चल गया कि यहाँ का इसका इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट वाला होना चाहिए था। सो, इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो, यहाँ पे कितने अच्छे से हो गया ना। इसी तरह से आप अपने नंबर्स को यानी कि प्लेस वैल्यू को अच्छे से याद करें और जितना ज़्यादा हो सके प्लेस वैल्यू के साथ ही काम करें, उससे ही आपको सबसे जल्दी जल्दी से पैटर्न के पास तक पहुँचने का, पैटर्न फाइंड आउट करने का और फिर अपने क्वेश्चन में पूछे गए हुए क्वेश्चन का आंसर निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। सो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज DID इज कोडेड एज 494।
अब आप इसको ही देख लो, डी आई डी, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, दोनों साइड में 4 है, और आई की 9 होती है. सो इट्स नथिंग बट सीधा सीधा प्लेस वैल्यू की कोडिंग हुई है. तो सीधा क्वेश्चन की तरफ हम भी बढ़ जाएंगे. तो 4 दिया है, ठीक है. सो 4 की कोडिंग क्या हो जाएगी, F की 6, O की 15 और R की 18. 6, 15, 18 हो जाएगी यहाँ पर. अच्छा, तो यहाँ पर डबल डिजिट्स तो है नहीं, 6, 15, 18 तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए हैं उस हिसाब से मुझे लगता है यहाँ पर लिया गया है सिंगल डिजिट्स को, यानी कि यूनिट डिजिट्स को यहाँ पर ले लिया गया है. 6, 15 में से यूनिट डिजिट में क्या है 5, और 18 में से यूनिट डिजिट में क्या है 8. तो यहाँ पर आप सिंगल टर्म्स लिए हुए हैं ऑप्शंस में, डबल डिजिट नहीं है. सो आई थिंक ये वाला आंसर हो जाएगा इसका. सो ये वाला ऑप्शन ही अवेलेबल है यहाँ पर, 6, 5, 8 ऑप्शन है. अगर ये ऑप्शन नहीं होता डेट मीन्स हमारा पैटर्न रॉन्ग है, पर क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी में ये आंसर है 6, 5, 8, सो वी कैन गो विद दिस लॉजिक एंड दिस क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन डी 6, 5, 8. ठीक है, समझ में आया. सो ये क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, डी आई डी में क्या था, सिंगल डिजिट नंबर था. सो हमने इस तरह से डायरेक्ट जंप किया. पर अगर इस तरह से आपको डाउट हो रहा है क्योंकि आंसर में 6, 15, 18 नहीं है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको और भी पैटर्न दिए गए हैं, जैसे डियर का 4, 5, 1, 8 बनता है. ठीक है, यहाँ पे आर का इंक्लूड हो रहा है. सो यहाँ पे हम ये वाले को चेक कर सकते हैं और कंफर्मेशन कि आपका आंसर करेक्ट है. सो डियर होता है डी का 4, 5, 1 और आर की 18 होती है. ठीक है, सो इस तरह से तो यहाँ पे कोड नहीं है, इसका कोड क्या दिया गया है यहाँ पर 4, 5, 1, 8, एक ही वन दिया है यहाँ पर. एक्चुअली में प्लेस वैल्यू के हिसाब से जाएंगे तो 11 आना चाहिए यहाँ पर, है ना, डबल वन आना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इसकी एक ही कोडिंग, एक ही वन की कोडिंग की गई है, इसका मतलब यहाँ पे जो 18 है डबल डिजिट वाला नंबर ये आर का, इसका क्या किया है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 18 एज अ होल दे हैव टेकन जस्ट द यूनिट प्लेस 8 नंबर. सो 18 का 8 हो गया. दैट मीन्स अगर आप डबल डिजिट्स के साथ में हैं तो डबल डिजिट्स वाले जो वर्ड है उसका क्या हो जाएगा, उसका यूनिट प्लेस का नंबर लिया गया है. ठीक है, सो इस हिसाब से ये 18 का 8 हो गया. बाकी 4, 5, 1 तो एज इट इज सेम है, सिंगल डिजिट है. डबल डिजिट में आपको यूनिट प्लेस को लेना है. सो वही यहाँ पर हुआ, 6, 15, 18 मिला हमें. तो फिर सॉल्यूशन के लिए हमारे पास वो ऑप्शन नहीं था. सो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे यूनिट प्लेस में जो नंबर है इन अ डबल डिजिट कॉन्सेप्ट, तो वो लिया गया है और इस हिसाब से ये 6, 5, 8 का यहाँ पर आंसर हुआ है. आई होप आपको समझ में आ गया. ओके दोस्तों, समझ में आ गया ना, तो इस तरह से घबराना नहीं है. जब आपने देखा कि आपका आंसर 6, 15, 18 आ रहा है लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन और आपका जो पैटर्न निकला है उसके साथ थोड़ा सा सोचो, और अगर कुछ मिलता है तो बढ़िया, नहीं तो पैटर्न के चेक करने के लिए फिर आपके पास और भी गिवन टर्म्स है, उसको भी चेक कर सकते हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि रेयर की कोडिंग हुई है 2 में. अब ये वैसा वाला ही है जो हमने अभी पिछले क्लास में किया था, कैट की कोडिंग है 1. सो इसका मतलब है कि यहाँ पर रेयर में तो हम 2 किसका है पता नहीं चल सकता कि कौन सी कोडिंग की गई है. आर दो बार है, यानी कि कॉन्सोनेंट्स 2 बार है और वॉवल्स भी 2 बार है, दोनों 2-2 बार है. सो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लेंगे अपना सेकेंड गिवन टर्म, यानी कि कैट. सो कैट में 1 की कोडिंग की गई है. सो कैट में 1 की कोडिंग किस हिसाब से की है, वॉवल के हिसाब से की है. इसका मतलब रेयर में भी वॉवल्स को लिया गया है 2. सो हमारा जो क्वेश्चन है रिक्शा के बारे में हमें पता करना है. सो आपको देखना है कि ये जो आर आई सी के एस एच ए डब्ल्यू, ये जो रिक्शा है इसमें कितने वॉवल्स आते हैं. तो यहाँ पे एक आई है और इसके बाद में ये ए है. सो यहाँ पर 2 वॉवल्स आते हैं, ठीक है, और हमें वॉवल्स ही चाहिए. सो वॉवल्स 2 है और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर. सो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. सो यहाँ पर है ए आर ई की कोडिंग हुई है 87 में, मतलब ए आर ई इसकी कोडिंग हुई है 87 में, और इनके जो प्लेस वैल्यू हैं वो क्या हो जाते हैं 1, 18 एंड 5. ठीक है,
सो इसको अच्छे से देखो, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, 87 है कोडिंग में और यहाँ पर 118 और 5 है। आप कैसे भी इसको प्लस करोगे, सो ये प्लस करने से तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये 5 एंड 1 6 होता है और 18 में 6 प्लस किया तो यहाँ पर सिर्फ 24 होता है। तो हमने जो वो एक टर्म किया था कि जब आपको छोटे नंबर से बहुत बड़े नंबर पे जाना होता है तो आपके पास दो ही सिंबल होते हैं, एक तो एडिशन का और एक मल्टीप्लिकेशन का। सो एडिशन से तो हमें नंबर नहीं मिला तो हम चूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन को, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में हो जाएगा ऐसे मल्टीप्लिकेशन। सो अगर हम इस सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 90 और जो कोडिंग हमारी है वो 87 है। अब इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या होगा, सो यहाँ पर आप कर देंगे 90-3 तो आपको आ जाएगा 87। सो इस तरह से हमें मिला ये 87 का कोड। ठीक है, समझ में आया कैसे हो गया ये। सो यहाँ पर बीच में हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, मतलब प्लेस वैल्यू के सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस मल्टीप्लिकेशन के बाद में आपको एक नंबर आ रहा है जो कि है 90, और कोडिंग वर्ड तक पहुँचने के लिए हमें चाहिए इस 90 में माइनस 3 करेंगे तो 87 आ जाएगा, वही इस ARE कोड का डिकोडिंग वाला नंबर है। सो अब हम सीधे सीधे पहुँच जाएंगे, हमें हमारा पैटर्न मिल चुका है, मल्टीप्लाई करके माइनस 3 करना है। सो हमारा कोड यहाँ पर है, दिया हुआ कैट है, कैट दिया है। सो हमें इस कैट को जल्दी जल्दी से फाइंड आउट करना है क्या हो सकता है उसका आंसर। सो यहाँ पे कैट है, कैट का हो जाता है 3, 1 एंड 20। सो इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है अब। सो 3 1 3 एंड 3 20 60। सो यहाँ पे हमें 60 मिला, लेकिन हमें क्या करना है, 60 मिलने के बाद हमें माइनस में 3 भी करना है। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आंसर 57। सो इस तरह से हमें मिला यहाँ पर आंसर 57, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 57। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। सो यहाँ पर दिया है सैंपल और इसकी कोडिंग हुई है RYJLGY में। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे सैंपल को SAMPLE। तो यहाँ पर हमें दिया गया है सैंपल और इसकी कोडिंग हमें दी गई है RYJLGY। सो इस तरह की इसकी कोडिंग है, तो कोडिंग को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस वर्ड्स को जल्दी जल्दी से प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट कर देना होगा। प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट करने से बहुत इजी हो जाता है आंसर्स के पास तक पहुँचना। सो यहाँ पर एस का हो जाएगा 19, 1, 13, 16, 12, 5 और नीचे वालों को भी देख लेंगे, उनकी भी प्लेस वैल्यू। सो 18, 25, 10, 12, 7, 25। सो इस तरह से हो गई यहाँ पर। अब इन दोनों को वर्ड्स को भूल जाओ और नंबर्स के को ध्यान दो। सो नंबर पे ध्यान देंगे तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ये 19 से 18 हो गया, यहाँ पे माइनस 1 हुआ है। ये 1 से 25 हो गया, इसका मतलब 25 से नेक्स्ट टर्म 26 यानी कि प्लस 1 अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और फिर 26 से वापस हम 1 पे हो गए यानी कि सेकेंड राउंड ऑफ ABCD। ठीक है, सो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है -2। फिर 13 से 10 की तरफ, 13 और 10 का डिफरेंस यहाँ पर क्या होता है, 3। सो यहाँ पर हो गया है -3। इसी तरह से 16 और 12 का डिफरेंस होता है क्या, 4। सो यहाँ पर हो रहा है -4। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर क्या चल रहा है, इन सारे नंबरों को अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है। ठीक है, पर ये नंबर यहाँ पर 1, 2, 3, 4 है, ये इसमें माइनस हो रहा है। सो डिफरेंसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे की तरफ बढ़ते हुए में मिल रहे हैं, इसका मतलब ये 1, 2, 3, 4 है तो नेक्स्ट 5 होगा, उसके बाद 6 होगा। ठीक है, आप अपना चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें 1, 2, 3, 4 इतने ही में ही पैटर्न मिल चुका है। सो हम और ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है PEOPLE का कोड क्या बन सकता है। सो सीधे सीधे हम पहुँचेंगे इसकी प्लेस वैल्यू पर, क्योंकि हमें प्लेस वैल्यू से ही काम करना है ना। तो P का होता है 16, E का 5, O का 15, फिर से 16, L का 12 एंड E का 5। सो इस तरह से बनेगा
और हमें क्या करना है इसमें, -1, फिर -2, -3, -4, -5, -6, इस तरह से जाना है, ठीक है। पर हमें अभी इतना सारा नहीं देखना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आगे पीछे थोड़े बहुत लेकर ही जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। सो 16 में -1 करेंगे, यहाँ पे 15 आएगा, 15 का कोड क्या होता है, ओ। 5 में -2 करेंगे, 3 आएगा, 3 मतलब सी। तो आपको दो कोड मिल गया, ओ और सी, तो इस ओ और सी को ऑप्शंस में देखेंगे ताकि ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए और हमें थोड़ा और इजी हो जाए। सो फर्स्ट में ओ सी है तो हम इस ऑप्शन को ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी में जी सी है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में ओ के बाद बी है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और फिर बचता है डी। सो नाउ वी आर हैविंग ओनली टू ऑप्शंस विद अस, दैट इज ए एंड डी। अभी ऑप्शंस को ही आप देख लो, ओ सी के बाद में दोनों में ओ सी है, यस, और उसके बाद में एल एल जी कॉमन है। यहाँ पर एल एल जी कॉमन है, यानी कि बीच वाले नंबर्स को अब देखने की जरूरत नहीं है। वॉट वी हैव टू सी इज ओनली द लास्ट लेटर, सिर्फ लास्ट लेटर हमें देखना है कि एल है कि वाई है उसके लिए। सो यहाँ पर अब आप ये सारों नंबरों को बीच में छोड़ दोगे, कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको अपना आंसर चाहिए। सो सीधा लास्ट वाले लेटर पर जाएंगे, 5 - 6। सो 5 मतलब यहाँ पर ये है ई, और ई में फिर पीछे जा रहे हैं, सो ए तक गए, 1 हुआ, यानी कि ये 5 लेटर्स हुआ। और फिर वापस से हम 26 यानी कि जेड से फिर से ए की तरफ जा रहे हैं, तो ये 5 हुआ और यहाँ पर भी 1 यहाँ पर माइनस होना है। दैट मीन्स जेड के पहले वाला नंबर क्या आएगा, यहाँ पर फिर आ जाएगा, ये 25 तक ही हमें जाना है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ 5 से इधर घूम के आगे नीचे। सो यहाँ पर कितना आ गया, 25, तो 25 मतलब वाई। सो यहाँ पर हमें मिला वाई। सो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है ना, यहाँ पे समझ में आ गया ना ये वाला टर्म कैसे हुआ है, ये 5 हम पीछे गए इस लेटर में, सो 5 का हो गया, 5 से ए तक गए, ये 5 लेटर्स हो गए। और इसके बाद 1 to 26 का जो एक और राउंड था उसमें -1, वहाँ पे भी हमें क्योंकि 6 माइनस करना है ना, सो वहाँ पे भी 1 माइनस किया और इस तरह से हमें आ गया y 25। सो इस तरह से हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, समझ में आया। सो यहाँ पर हुआ है कि ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नो नीड टू चेक ऑल दी लेटर्स, आपने एक चेक किया, ओ आया, सी आया, ऑप्शन को एलिमिनेट करा और उसमें आपको पता चला बाकी कॉमन है, सिर्फ लास्ट लेटर चाहिए, तो लास्ट लेटर के लिए लास्ट वाले को ही देखो, इससे और टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा और कम टाइम लगेगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो इसके साथ आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। और हमने सीखे इस क्लास में और 3 नए पैटर्न्स, एक था -1 + 1, इस तरह से कंटिन्यूटी हो रही है नंबर की, और एक था हमारा, सो उसमें हमने देखा कि डबल डिजिट है तो आप यूनिट डिजिट के बेस पे कोडिंग की गई है। और अभी हमने देखा कि ये इस तरह से माइनस में 1 2 3 4 5 इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। सो दिस वाज द समरी ऑफ टुडेज क्लास, इसमें भी हमने प्रैक्टिस करते के साथ में नए पैटर्न सीखे हैं। और अब हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, पढ़ते रहिए और मौज मस्ती भी कीजिए, साथ में पूरे टाइम बुक वॉर्म बन के मत रहिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय दोस्तों।